मेरे अत्यंत स्नेही साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ये बात है 1914 की, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसमें हमारे भारत का एक सैनिक जो कि बुरी तरह जख्मी हो गया था और घोड़े पर चढ़ कर भागा। जब वो घोड़े पर चढ़ कर भागा, बाकी देशों की जो सेना थी उसके पीछे गोली, कह रही ये भारतीय है, इसको छोड़ो छोड़ो नहीं, इसको गोली मार दो। वो कभी पहाड़ों पर चढ़ जाए, पहाड़ों से नीचे उतरे, फिसलता हुआ फिर किसी गली में घुस जाए। लेकिन बाकी जो सैनिक थे विदेशों के, वो घोड़े पर थे। अब घोड़ा तो तुरंत पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता। अच्छा वो उधर से गया, जब तक हम इधर से राउंड लेंगे हम वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। इस तरह वो भारतीय सैनिक उनको चकमा देते हुए इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, इस गुफा से उस गुफा छुपता फिर रहा था। तो उसको एक गुफा दिखाई पड़ी और उस गुफा के पास बहुत सारी गुफाएं थी, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो वो एक छोटी सी गुफा के अंदर घुस गया। वो छोटी सी गुफा के अंदर घुस गया, रास्ता एक ही था सब सैनिकों के वहाँ जाने का। और वो छुप कर उसमें बैठ गया और वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, अब मेरे जीवन का अंत निश्चित है, मुझे किसी तरह बचा लो भगवान, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। सच्चे दिल से उनको पुकारने लगा, बोले हे प्रभु, किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज। अब जब तक बाकी जो अंग्रेज थे और सैनिक थे वो चक्कर लगा के पहाड़ का उस जगह पे आते, कहते तब तक वो छुप चुका था गुफा के अंदर और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह मेरी रक्षा करो भगवान, किसी को तो मेरी मदद के लिए भेजो। तब तक उसने देखा वहाँ पर एक नन्ही सी छोटी सी मकड़ी आ गई। वो बोला, मैंने क्या कहा था भगवान, किसी को मेरी मदद के लिए भेजो, ये छोटी सी नन्ही सी मकड़ी क्या कर लेगी, भेजा भी तो इसको भेजा। अब मकड़ी आई, उसने फटाफट जाला बुनना शुरू किया और गुफा के पूरे जो उसका मुख्य द्वार था उस पर अपना जाला बना दिया। तब तक उसने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी, टाप 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 टाप। अरे घोड़े आ रहे। अब उसका दिल थक 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 थक, जितनी तेजी उसका दिल धड़क रहे उतनी तेजी से भगवान, भगवान किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो, भगवान मुझे बचा लो, भगवान ये लोग मुझे मार डालेंगे, भाई एक बार अपनी पत्नी बच्चों माँ बाप से मिलाओ, मुझे बचा लो भगवान। सभी भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे, केवल वही एक अकेला बाकी था। अब जो वो अंग्रेज अफसर था वो बोला, ढूंढो यहीं कहीं वो छिपा होगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही जाएगा कहाँ। अब सब लोग इस गुफा उस गुफा सबके अंदर घुस घुस के देख रहे हैं। तब तक एक अंग्रेज सैनिक बोला कि सर, ये जो छोटी सी गुफा इसके अंदर घुस के देखो। अब तो उसका दिल पूरी तरह धड़कने लगा, थक 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 थक, कि अब तो मैं पकड़ा गया और पकड़ा जाऊंगा तो सर्दियाँ में जान से मरा लाऊंगा। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, देखता नहीं उसमें कितना बड़ा मकड़ी का जाला बना हुआ है, कुछ गॉड ने तुमको ब्रेन दिया है? नहीं, आर यू मैड, फुलिश पर्सन, सी के मूर्ख आदमी, देख उसमें कितना बड़ा जाला बना हुआ है, अगर उसके अंदर जाता तो जाला इतनी टूटता क्या? वहाँ यस सर, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बोला, ढूंढो आस पास ढूंढो, क्योंकि रास्ता तो एक ही, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जा सकता है। अब सारे सैनिक सभी गुफाओं में देख रहे हैं, पेड़ों के पीछे देख रहे हैं, झाड़ियों के पीछे देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अफसर तो उसको डांट चुका था ना कि उस गुफा के अंदर नहीं जाओ, वो तो छोटी सी गुफा है, उस पर इतना बड़ा मकड़ी जाला बना हुआ है, वो घुसता तो क्या जाला ना टूटता। उसके अंदर कोई नहीं गया। अब उसने कहा, भगवान जाने किस रास्ते से निकल गया, हो सकता है दूसरे रास्ते चला गया होगा, पहाड़ पर से फिसल गया होगा, चलो जल्दी से उधर देखते हैं। अब उसने सुना घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर जा रही थी, धीरे धीरे दूर होती आ रही थी, दूर होती आ रही थी। और जब एकदम सन्नाटा छा गया, सभी वहाँ चले गए, वो भारतीय सैनिक बाहर निकला और उसने हाथ जोड़ कर कहा कि प्रभु, तेरी महिमा को कोई नहीं जान सकता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
उसकी महिमाएं, उसकी लीलाएं, उसकी कृपा अपरंपार है। वो कब किसको क्या किस भेद में देता है कोई नहीं जानता। तो वो नन्ही सी मकड़ी जिसको वो तुच्छ समझ रहा था, उसने उसके प्राण बचा लिए। कहते बड़न को देख के लघु न दीजिए डर, और जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। हम किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, हम किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाई गई उसकी हर रचना, हर प्राणी, उसकी हर कलाकृति अत्यंत उपयोगी है। तो मेरे लाडलों, सबका सम्मान करें और उस पर अटूट विश्वास रखें। जो वो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो मेरे लाडलों, कहते ना कि रब राजी तो सब राजी। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।